अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी और यम्मी दही बल्लों की रेसिपी लेकर आई हूँ। थोड़े खट्टे, थोड़े मीठे, बहुत ही क्रीमी, आपके इफ्तार को चार चांद लगाने वाले दाल माश के दही बल्ले। ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और वीडियो को लाइक करें। ये दाल माश के दही भल्ले आप किसी एयर टाइट जार में रख के फ्रीज कर सकते हैं, दो तीन हफ्तों तक बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। चले तो स्टार्ट करते हैं। एक कप दाल माश मैंने 3 घंटों के लिए भिगो के रखी, देखें सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं इसको ग्राइंड करूँगी। आधा कप पानी ऐड करके अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। देखें इतना गाढ़ा पेस्ट बना है, इतना ही हमें चाहिए। 1 चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच काली मिर्च ऐड की, अच्छे तरीके से मिक्स किया। आधी चाय की चम्मच बेकिंग सोडा ऐड किया। परफेक्ट बैटर रेडी है, देखें थिकनेस इसकी इतना गाढ़ा होना चाहिए। अब मैं इनको फ्राई करूंगी। देखें 1 खाने का चम्मच भर भर के ऐड किया, बहुत ज़्यादा बड़े ना बनाएं क्योंकि दही में जाके और ज़्यादा फूल जाएंगे। दो मिनट के बाद मैंने इनको पलटा, 2 मिनट अब इस साइड से पकेंगे। चलें जी, दही भल्ले कुक हो चुके हैं, अब मैं इनको निकालूंगी। देखें माशाल्लाह कैसे परफेक्ट गोल दही भल्ले बने हैं। माशाल्लाह 1 कप दाल माश से देखें कितने ज़्यादा दही भल्ले बन गए हैं। इस स्टेज पे आप इनको फ्रीज कर सकते हैं। 2 कप दही में 1 खाने का चम्मच चीनी और 1 खाने का चम्मच चाट मसाला और 1/4 कप क्रीम ऐड करके अच्छे से मैंने इसको फेंट लिया। जो भल्ले आपने रेडी करने हैं उनको 1 मिनट के लिए पानी में डिप करें। अब 1 by 1 इनको अपनी दोनों हथेलियों के बीच में रख के अच्छे से प्रेस करके सारा पानी और ऑयल निकाल दें। बहुत ज़्यादा प्रेस करके जान नहीं निकालनी बेचारों की। अब मैं अच्छे तरीके से इनको दही में डिप कर दूंगी। दही अगर ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है तो आप इसमें पानी ऐड करें। ऊपर से मैंने आलू बुखारे की होममेड चटनी ऐड की, थोड़ा सा ऊपर से चाट मसाला डाला, थोड़ा सा ज़ीरा तवे पे रोस्ट करके थोड़ा सा क्रश करके ऊपर से ऐड किया। रोस्टेड ज़ीरे का बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। लें जी, थोड़े खट्टे, थोड़े मीठे, क्रीमी, हेल्दी दही भल्ले रेडी हैं। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।